नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिका। आप लोग देख रहे हैं कार्तिका की रसोई। आज हम आपको बताने वाले हैं पनीर पराठा। मैंने इस तरह से पनीर पराठा बनाया है तो बहुत खाने में लाजवाब लगता है, तो बहुत आसान तरीका से बन जाता है पनीर पराठा। तो चलते मैं अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने एक टेनिया ली है और एक कटोरी मैंने आटा लिया है। कटोरी हमारी नक बड़ी सी है तो इसको आटे को मैं अब अच्छे से गूँथ लेंगे। तो मैं सारे आटे को तो नहीं गूंथेंगे, थोड़ा सा रख लेंगे। वो इस आटे में मैं कोई चिकनी नहीं डालेंगे, वो बिना चिकनी का ही मैं बनाएंगे पराठा। मैंने अच्छे से अपना आटा लगा दिया। अभी हमारा आटा थोड़ा सा हमको टाइट लग रहा है, थोड़ा सा हम पानी इसमें और लगाएंगे तो इसको हम अच्छे से गूंथ देंगे। वो ज़्यादा टाइट ना लगाना है और ना ज़्यादा गीला लगाना है आटा, मीडियम साँच का रखना है। तो हमारा आटा लग चुका है, आप देख सकते हैं। तो अब इसको हम 10 मिनट के लिए इसको ढक देंगे। मैंने कुछ हरी मिर्ची ली हैं और लहसुन की कलियां ली हैं, छोटा सा मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है और दो मैंने प्याज ली है और कुछ मैंने लहसुन की पत्ती ली हैं। तो मैं इसको प्याज को 4 टुकड़े में काट लेंगे, वो अपनी मशीन में डाल देंगे, हम इसको इसी में पीस लेंगे। और मैं अपनी मिर्ची को भी 2 टुकड़े में काट के डाल देंगे। अदरक का भी मैं काट लेंगे और लहसुन की कलियों में ऐसे ही डाल देंगे, इसको हम पीस लेंगे। मसाला काट लिया है, अब मैं अपने रख देंगे इसको। हमारी ये पनीर घर की बनी हुई है, हमने ये घर पे ही बनाई है पनीर, तो इसको हम काट लेंगे 4 टुकड़े में। और ये हमने मशीन ली है, इसको हम पनीर को कद्दूकस बना देंगे इससे। तो हमने ज़्यादा बारीक नहीं है और ना ज़्यादा मोटी है, मीडियम साइज वाले से ही हम कद्दूकस बनाएंगे इसके। तो हमारा कद्दूकस बढ़िया बनना है। गरम होने के रख दिए और तेल हमारा गरम हो चुका है। इसमें डालेंगे हम हींग और अब मैं डालेंगे इसमें जीरा और साथ में डालेंगे मैं इसमें अजवाइन। अब मैं डालेंगे इसमें अपना मसाला कटा हुआ, तो मैं अच्छे से मसाले को भून लेंगे। तो हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है, अब इसमें हम डालेंगे इसमें डालेंगे हम नमक, नमक के अनुसार डाल सकते हैं। और अब हम डालेंगे हल्दी और धनिया पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, इसी को हम इसी में अच्छे से मिला लेंगे। अब डालेंगे हम पिसी हुई मिर्ची लाल। तो आप जैसे चटपटे बनाओ ऐसे भी बना के खा सकते हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे चाट मसाला, चाट मसाला से अच्छा टेस्ट आता है पराठे में।
अब हम गैस को कर लेंगे बंद। अब इसमें हम डालेंगे पनीर। पनीर के साथ में हम डालेंगे कटा हुआ हरा लहसुन और कुछ और में डालेंगे हरी पत्ती धनिया। तो इसको हम इसी में मिला लेंगे। हमारा मसाला अच्छे से मिला दिया है हमने। अब हम इसको अपनी कढ़ाई को उतार लेंगे। हमारे आटे को 10 मिनट हो चुकी है। हमने अपने आटे को देखते हैं कैसा हुआ है। आटा हमारा बढ़िया हो चुका है। आटा हमेशा पनीर पराठा बनाएं तो पहले आटा गूंज लें, उसके बाद मसाला तैयार करें। तब तक मसाला तैयार होता है तब तक आटा अपना गूंज के अच्छा सा बन जाता है। तो हमारा आटा बिल्कुल अच्छा बना है, कोई तेल नहीं डाला है इसमें, बहुत अच्छा बना है। आटा हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसको लोई बना लेंगे। इसको हम इस तरह से लोई को कर लेंगे। कटोरी की तरह इसको हम कटोरी की तरह कर ले बना लेंगे। हमने अपनी कटोरों की तरह बना ली है। इसमें अब हम भरेंगे पनीर। वो पनीर को भी मैं इसी तरह से इसमें अंदर कर देंगे। इसको हम इसी तरह से मोड़ लेंगे, उनको ही बंद कर लेंगे इसको। और इसको हम इसी तरह से अब कर लेंगे। अब इसको पोले पोले पराठे को इसको मैं अच्छे से हल्का हल्का बेल देंगे। हमारा पराठा अच्छा बेल चुका है। तो इसको अब हम हमारा तवा गैस पर रखा है, गर्म हो चुका है। अब इस पर हम डालेंगे अपना पराठा। इसमें पराठे को पलट देंगे। अब पराठे पर मैं लगाएंगे अपने पैन ऑयल। ऑयल कौन सा भी होना चाहिए, या सरसों का हो या रिफाइंड हो या कोई घी भी लटके भी घी लगा देंगे, ऑयल लगा देंगे इसमें। सारे पराठे इसी तरह से बना लेना। तो हमारे हमारा पनीर का पराठा बनके तैयार है। वो खाने में बहुत स्वाद, बहुत टेस्ट आता है इसमें। हमारे पनीर पराठा बनके तैयार है। आप देख सकते हैं क्या मज़ेदार पराठा बन रहा है, बहुत अच्छा लगता है। आप घर पर एक बार ज़रूर बनाएं पनीर पराठा, फिर हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि पनीर पराठा कैसा लगा। हमारी मम्मी को वीडियो लाइक करें। बाय।